अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातु। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल डेली शॉर्ट हदीस। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोगों से गुजारिश है, जरा गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए। प्यारे दोस्तों, ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी तरफ से यानी कि डेली शॉर्ट हदीस यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, ऐसे मौके पर हम कुर्बानी करते हैं, पर कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, यानी कि मैं ऐलान करना चाहता हूं कि आपके घर पर कोई अनजान इंसान गोश्त लेकर आए तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस गोश्त को हरगिज ना ले, क्योंकि ये आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी से रंजिश है यानी कि दुश्मनी है, और वो आपके घर किसी भी अपने जानने वाले के हाथ किसी ऐसे जानवर का गोश्त पहुंचा दे जिसको हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी हुकूमत ने बैन करके रखा है, तो उसके बाद वो अपने घर पर बैठकर पुलिस को फोन लगा दे तो इसमें आप फंस सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कोई काम ना करे जिसकी इजाजत हमारी हुकूमत नहीं देती, ना खुद कोई गलत काम करे और ना ही किसी को करने दे। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही कहना था कि किसी भी अनजान इंसान से किसी चीज का गोश्त ना ले, क्योंकि हो सकता हो वो गोश्त किसी ऐसे जानवर का हो जिसकी इजाजत हमारी हुकूमत नहीं देती। ऐसे केस में आप अच्छी तरीके से जान जाते हैं कि आप कितनी बुरी तरीके से फंस सकते हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें और अपने अजीजों अकारीब को इस बारे में ज़रूर बताएं। इस मैसेज को आप तमाम लोग, अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर हर जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों, कितने भोले भाले लोग हैं जो ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं और इसकी सज़ा उनको ज़िंदगी भर मिलती रहती है। तो जितना हो सके इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है, ताकि हम अपने मुस्लिम भाइयों को इन्फॉर्म कर दे ताकि उन भोले भाले भाइयों की जिंदगियां बच सके। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। वीडियो लाइक होने से वायरल होती है। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो वायरल हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिए।